अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है आप सबके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहे तो सबके रोज़े अच्छे गुजरेंगे। तो आज हमारे किचन में दही बड़े बन रहे हैं, माश की दाल के दही बड़े। तो उसके इन्ग्रीडियंट्स मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैंने माश की दाल पीस ली थी, लेकिन मैंने उसके जो दाल वगैरह ली थी वो इस तरह ली थी कि एक कप मैंने दाल ली है, इसको मैंने 3-4 घंटे भिगाने के बाद इन मसालों के साथ पीस लिया था। ये मैंने 6 साबुत मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, क्वार्टर टी स्पून मेरे पास ये हींग है, ये अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है और ये नमक है। इन मसालों के साथ मैंने इस दाल को पीस लिया था जिसको मैंने भिगा के रखा था। तो आइए आगे चलते हैं। इस दाल को मैंने पीस लिया था सारे मसालों के साथ और फेंट भी लिया था। अभी मैं से ये थोड़ा सा और फेंट लूँगी। दाल को मैंने बहुत अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब मैं इसको पानी में डाल के देखूँगी, अगर तो इसका ड्रॉप ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि ये अच्छी तरह बीट हो गया है। तो ये देखें, ये तैर रहा है, इसका मतलब ये कि ये सही हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह इसको हमने फेंट लिया है। अब मैं आपको इस फ्राइंग का तरीका बता दूं कि मैंने फ्राइंग पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है जिसमें मैं शैलो फ्राई करूँगी दही बड़े की जो टिक्कियाँ या बड़े जो भी आप कह लें उसके पैंस में शैलो फ्राई करूँगी। और इधर मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल लिया है जिसमें वो डीप फ्राई उसमें होगा, तब जाके वो अच्छी तरह फूल जाएंगे। ब्लू वाले में मैंने जो है ये पानी लिया है जिसमें मैं दही बड़े की टिक्कियाँ या बड़े जो भी हैं वो उसको मैं फ्राई करके इसमें डालूँगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी मैंने बर्नर ऑन कर लेती हूँ और फिर फ्राइंग स्टार्ट करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ये बड़े डाल दूँगी जो ये दही बड़ों की टिक्कियाँ हैं, ये इसमें खुद ही फैल के गोल हो जाएंगी। इन टिक्कियों को एक साइड से मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे डीप फ्राइंग के लिए कढ़ाई में डाल दूंगी। इस तरह करके अब मैं इसे कढ़ाई में डाल दूंगी। अब इन टिक्कियों को मैं इसी में पलट दूंगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएं। अब इन टिक्कियों को मैं कढ़ाई में डालूंगी, थोड़ा सा ये और सिक जाएं। ये कढ़ाई में मैंने अभी डालूंगी इसको और ये देखें कि ये टिक्कियाँ जो हैं ये अपना शेप खुद बना लेती हैं। जो टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं मैं उन्हें निकाल रही हूँ। कढ़ाई में और डली हुई हैं टिक्कियाँ मेरी, ये देखिए दही बड़ों की टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये लास्ट बैच है जिसे मैं निकाल रही हूँ। दही बड़ों की टिक्कियाँ सारी तैयार हो गई हैं, फ्राई करके मैंने निकाल ली हैं। अब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं इसमें पानी में इसको डाल के रखूँगी 15-20 मिनट के लिए। टिक्कियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं तो अब मैं इसे ठंडे पानी में डाल दूँगी और जो थोड़ी बहुत गर्म है उसकी वजह से पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। दही बड़ों की असेंबलिंग के लिए मैंने ये डिश ले ली है। अब इस डिश को हटा के मैं दही बना लेती हूँ फेंट कर।
इसमें मैं दही डालूंगी। दही डाल के इसको मैं फेंट लूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक ही रखना है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, तकरीबन आधे चम्मच से ज़्यादा नमक है, आधा टीस्पून से ज़्यादा। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। टिक्कियों को भीगे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका पानी निचोड़ के और इसके बाद इसे असेंबल करूँगी। डिश मैंने यहाँ रख ली है और इन टिक्कियों को मैंने पानी से निकाल लिया है। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और अब मैं इसे डिश में असेंबल कर रही हूँ। पहले मैं इसमें दही डाल दूँगी, इसके बाद मैं ये टिक्कियाँ इसमें रखना शुरू करूँगी, फिर इस पे मैं दही स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद फिर सेकंड लेयर लगाऊंगी दही बड़ों की, टिक्कियों की। उसके बाद फिर मैं इसमें दही डाल दूंगी। लास्ट में और दही इस पर मैं स्प्रेड कर दूंगी। फाइनली दही बड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब लास्ट में मैं इसमें ये चाट का मसाला डाल दूंगी, दही बड़ों का मसाला, जो कि ज़रा दरदरा सा होता है। अलग से भी मैं दही बड़ों का मसाला रखूंगी ताकि जिसको कम या ज़्यादा करना हो तो वो अपने हिसाब से खा लें। ये देखें हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और आसान तरीका है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब मैं इसे डाइनिंग टेबल पर रख के दिखाती हूँ। तो व्यूअर, दही बड़े मैं डाइनिंग टेबल पर ले आई हूँ और साथ ही मैंने उसके लवाजमात भी रख दिए हैं। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये नमक, जिसको भी डालना हो वो डाल लें, वैसे तो मैंने दही में डाला था। और ये है चाट का मसाला। तब आप बताइएगा कि ये कैसे लगे आपको, आसान है कि नहीं। और अब मुझे इजाज़त दीजिए मेरे किचन, मेरे चैनल डिलीशियस कुकिंग विद समीना 25 से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ट्राई करें। लाइक ज़रूर कर दिया करें प्लीज़, जितने कमेंट्स आते हैं उतने ही लाइक्स भी होने चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।